में इंस्पेक्टर पलविंद्र सिंह इंचार्ज एक्साइज स्टाफ अमृतसर की ओर से तारावाला पुल पर नाकाबंदी करके शक्की पुरुषों को चेकिंग की जा रही थी कि चेकिंग के दौरान इंस्पेक्टर पलविंद्र सिंह को खबर हुई कि एक I-20 रंग सफेद PP02BC 1580 में 4-5 शक्की नौजवान सवार हैं और शक की हालत में घूम रहे हैं जिनके पास असला भी हो सकता है। ग्रुप फड़िया है 5 बंदियां दा CIA उन्हां दी टीम दे नाल ACP क्राइम ते इन्हां ने मिलके इहदे नाल अमृतसर दे विच रीसेंटली जिहड़े डिफरेंट केसेस होए इंसीडेंट्स होए है उहदे चों 6 केसेस बारे क्लैरिटी हुई हैगी है ते ट्रेस आउट हुए हैगे ते पता लग गया भी किस तरह दी वारदात हुई है किन्हां ने कीता है। इहदे नाल ही लिंक्ड एक वारदात इहदे च रीसेंटली भुल्लर पिंड पैंदा रूरल दे विच उहदे च एक मर्डर होया सीगा उह वी क्लीयर हुंदा हैगा साडे एक मर्डर होया सीगा कोट खालसा एरिया च उहदी क्लैरिटी आ गई हैगी है। सो हुण तक जिहड़े बंदे अरेस्टड हैगे है उहदे च अमरवीर सिंह उर्फ गोपी हैगा ए माहल गोपी माहल इहनूं कहिंदे है एक गुरजसनीत सिंह उर्फ चीनी हैगा ए छियाटे दा रहण वाला है एक गुरबीर सिंह पुत्र राजविंदर सिंह है ये भी छियाटा एरिया का रहने वाला हैगा एक जयदेव हैगा ये कंबोह का रहने वाला हैगा तो एक अभिराज उर्फ अभी हैगा ये भी पिंड माहल का रहने वाला है। सो ये 5 बंदे अरेस्ट हुए हैं ना तो एक गड्डी जड़ी चे मूवमेंट्स कर रहे थे वो गड्डी रिकवर हुई हैगी है सिग्निफिकेंटली इन्हों के कोल बहुत ही सोफिस्टिकेटेड एक 9mm का पिस्टल रिकवर होया है जो कि कोट खालसा इंसीडेंट विच भी यूज होया हैगा एक 30 पोर का भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड पिस्टल रिकवर होया तो एक 32 पोर का होया सो 3 वैपन विद वैप है तो ये काफ़ी सारे क्लैरिटी हुई है ये नाल इस एरिया दे विच जिथे क्राइम ट्रेस आउट होएगा आने वाले समय दे विच ठल भी पाएगी सो एक ये अच्छी कामयाबी क्राइम टीम दी ते इना दी टीम वालों की गई ये जी हूँ तक इन्हों पुछगिछ हुई है या जो भी इन्हों असी गल की है एक तो सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट इंसीडेंट्स के एक जड़ा ये चीनी है लड़का जिन्हों गुरशरणजीत सिंह है ये जड़ा कोट खालसा मर्डर होया हैगा वो इनवॉल्व हैगा बिला कोट खालसा भी जिन्हों कहते हैं दैन ये जे 4 एसिलेंट मेन है उन्होंने ये है 4 बंद देखो बाकी डिटेल इंटरोगेशन और इन्वेस्टिगेशन हजे चलेगी बट बेसिकली प्राइमरली इन्हों की कुछ लड़ाई झगड़ा कुछ इशूज़ है एक होर वॉन्टिड परसन हैगा जिदा ना अंग्रेज़ है सो ही हैड पर्सनल ग्रज एंड एनमिटी विद दिस परसन एंड वो बैकग्राउंड के इन्होंने इंसीडेंट किया जो अंग्रेज़ हैगा वो ही इज़ लिंक टू जगू ग्रुप यस जगू एंड बॉबी मल्होत्रा ग्रुप नहीं ये हजे पूरा उस लाइन ते नहीं है एज आई सेड कि अंग्रेज़ दी एक ग्रज या एक पर्सनल कोई एनमिटी एंड इस तरह दी चीज़ ये आ रही हैगी है बाकी हजे फर्दर इन्वेस्टिगेशन इंटरोगेशन जी चीज़ आएगी दैट वी विल शेयर विद यू एट अ लेटर।